बहुत हृदय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, युवा तुर्क नेता और झारखंड के जन जन की आवाज आदरणीय हेमंत सोरेन जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लगातार उनके नेतृत्व में राज्य जो है समृद्धिशील राज्य और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करते हुए विभिन्न विभीषिकाओं को झेलते हुए गंभीरता पूर्वक जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत एडवांस है और हम एडवांस प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं समझता हूं कि ये आज ये एयर एम्बुलेंस की सेवा ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लगातार जब कई मरीज ऐसे थे जिनको हायर हम लोगों को संस्थानों में ले जाने की जरूरत पड़ रही थी और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बातों को करते थे तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, तो उनके उसी समय उनके मन में यह हुआ कि क्यों नहीं हम एक स्थायी रूप से भी अपने राज्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था करें जिस व्यवस्था से लोग जो है मौत के काल से भी निकल पाए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सहयोगी साथी बादल जी साथ में हैं, हमारे दो दो माननीय विधायक हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं और इस पुनीत काम में उनकी हिस्सेदारी है, राज्य के मुख्य सचिव हमारे बड़े भाई आदरणीय सुखदेव सिंह साहब, ACS अरुण सिंह साहब, हमारी बड़ी बहन वंदना डाडेल जी, हमारे बड़े भाई विनय चौबे साहब और यहाँ उपस्थित सभी राज्य के चिकित्सक और चिकित्सा संस्था से जुड़े बड़े लोग और हमारे सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पुनीत काम में आप सारे लोग मिलकर जन जन के इस मानवीय दृष्टिकोण को आप आगे बढ़ा रहे हैं और विशेष करके मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सानिध्य में हमको हमेशा जो है, क्योंकि मैंने तो कोविड का वो काल भी देखा है जिस काल में लोग जो है इतने भयभीत थे लेकिन रात 3 बजे 4 बजे तक मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद कर रहे थे और ना खुश होते थे ना सोने देते थे। तो ऐसे परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ना धैर्य खोया ना साहस खोया और ना टीम को खोने दिया और आज ये नतीजा है कि हम देश के विभिन्न राज्यों से बेहतर हमने COVID-19 में अपने राज्य की जनता को जो है जान माल की जो है क्षति से बचाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूं और ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।